ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि टाइम का कुछ शॉर्टेज है, तो वी आर गोइंग टू डू अ हाइक। तो हम जा रहे हैं कहाँ तक, गौमुख तक, गौमुख से जाएंगे अप और डाउन नीचे याद होंगे हम, तो दैट्स इट। और मेरे साथ मेरे फेवरेट ट्रैक बड़ी आए हैं इस बार, हिमांशु भैया, और अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारे हिमांशु भैया हैं, ये केदारताल ट्रैक पे भी आए थे और इनके साथ बहुत मजा आता है ट्रैक करने में। तो फाइनली बहुत टाइम बाद अभी ये राजी हुए हैं, तो अब हम ये जर्नी अपनी यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारा होटल है और ये होटल का हमारा व्यू है, और अब इस बार हम दोनों ही हैं, बस हम काइंड ऑफ डुओ ट्रैक कर रहे हैं इस बार, विदाउट एनी गाइड, विदाउट एनी ऑर्गेनाइजर, कुछ भी, अकेले जा रहे हैं हम इस बार गौमुख तक। तपोवन तो नहीं जा पाएंगे, तपोवन नहीं जा पाएंगे, और गंगोत्री से गौमुख तक जाएंगे हम और वापस आ जाएंगे कल। आज ही स्टे ट्यून्ड। अंदर अंदर से, और इस बार तो यहीं से बर्फ दिख रही है, सोच ऊपर कितनी होगी। नहीं कल बहुत बारिश हुई ना, और हमें आज ही वापस आना है। दैट इज अ मेजर चैलेंज। ये लड़की तो रुक भी सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मतलब अगर तू सुबह आएगी तो, क्योंकि बहुत टाइम रहेगा ना, पर हम साथ ही आएंगे। 2 किलोमीटर बाद फॉरेस्ट वाले मिल जाएंगे, तो परमिशन वगैरह मांगेंगे, हमें दिखा देना। पर ये ना बोले कि बिना गाइड के कैसे जा रहे हैं आप, ये वो ना बोले यार। वो हम बोले, हमें सब पैसा पता है, 2-3 बार जा चुके हैं। गाइड के साथ ऐसा फील नहीं आता, प्रो वाला गाइड होता ऐसा फील नहीं आता। खो जाओ, थोड़ा उसका मजा अलग है, थोड़ी फटे। वही कह रहा हूँ, इतने लोग जा रहे होंगे। ठीक है, हाथ पकड़ के चल लेंगे, यही टेक्निक है। हाँ भैया, जो वहाँ पे रोप है ना, उसमें गलती से हाथ में रख देना, उंगलियां कट जाती है। अच्छा, छूना मत उसे। ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी मैंने शादी में नहीं सोच रहा कुछ भी। और बोरिंग सा हो जाएगा शादी। अभी नहीं होगा यार, बोरिंग क्यों होगा, बोरिंग जैसी ये लड़की वैसी रहेगी, चेंज थोड़ी होगी। यार अब गर्मी नहीं लग रही, अभी लग रही है। आप जैकेट नहीं उतार सकते भाई, वो सारा सेटअप दोबारा करना पड़ेगा। मैं जब बहुत गर्मी लगेगी तभी उतारूंगा, तब तो उतारनी पड़ेगी। सनस्क्रीन लगा ले, अभी तो जरूरत नहीं है, अभी तो अच्छी धूप लग रही है, वरना वो भी नहीं लगेगी। विटामिन डी नहीं मिलती ना सनस्क्रीन लगा के। वॉक इन द नेचर, वॉक इन द वुड्स, मजा आ रहा है यार। रील बहुत बढ़िया बन जाएगी, पर रील बनानी नहीं, नहीं आता वो पीछे से आता है कि दिस इज व्हाट वी करके, ऐसा कुछ तो था कि हमें पैसा नहीं चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट वी चाहिए हमें। सब इसलिए ही आते हैं यार यहाँ पे। अब यहाँ के कोई चूते दारू पी के चल रहा था, उससे बड़ा चूते कोई हो ही सकता। पर बहुत कम होते होंगे पीते यार ऐसे ना, बहुत ही रेयर होते होंगे। नहीं यार भैया, तब वो बंदे जो भी ट्रक में जाते हैं ना, बंदे जो दिल्ली दिल्ली से आ जाते हैं, वो सब दारू वगैरह लेके जाते हैं, फिर ऊपर पीते हैं वहाँ पे। जब तुमको नशे में ही होना था तुम यहाँ क्यों आ रहे हो भाई? सही बात है, इसका नशे में तो तुम कहीं भी हो सकते हो, इसका तो अपना अलग ही नशा है। कथा के तहत 3 साल की सजा, 25,000 रुपए का। पार्क क्षेत्र मतलब, पार्क क्षेत्र पार्क है ना, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गाइस सुन लो आप भी,
कि अगर गौमुख भी आना है या इस एरिया में अगर एंटर भी करना है तो परमिशन मंगानी पड़ती है। जाओ ना मेरे को लेने के लिए, परमिशन मंगानी पड़ती है। अगर परमिशन नहीं है तो 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा। तो यहाँ आओ तो परमिशन लेके ही आना। ये पूरा एरिया गौमुख नेशनल पार्क है ना, हाँ इसलिए। तो तू भी अभी मेडिटेशन करे ना, पहले ये प्राणायाम करा कर 15 मिनट या 10 मिनट। अच्छा। तभी उसका इफेक्ट है मेडिटेशन का, मतलब मेडिटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा। क्योंकि वो जो इंगला और पीड़ा नाड़ी, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही इंगला नाड़ी पीड़ा नाड़ी स्पेशली तेरा अनुलोम विलोम, और उसके लिए तुझे ये वाली मुद्रिका बनानी पड़ेगी, विष्णु मुद्रिका। कई लोग अनसन करते हैं, ये करती हूं। नहीं नहीं नहीं, ये मुद्रिका तुझे इससे, ये तो तेरा एक हाथ यहाँ रहेगा ना नीचे, जिससे तू करेगी वो ऐसा रहना चाहिए ये, और ये हाथ ऐसा रहना जरूरी है। एग्जैक्टली ये विष्णु मुद्रा है, ये याद रख लो तुम। सो अभी हमने सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया है, जैकेट वगैरह उतार दी हमने, बिकॉज हमको लग गई थी चलते चलते गर्मी। वो देखो सामने वाला जो पीक दिख रहा है ना, ऊपर देखती हूँ आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है। नहीं यार ये तो ज्यादा ऊंचा हो गया क्या यार। एक तो ना यार फोन के साथ ना व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है यार, सीरियस। वो देखो वो सामने वाला पीक होता है माउंट श्रीकंठनी है, वो क्या है शिवलिंग, माउंट शिवलिंग है वो सामने वाला पीक। और अगर हम तपोवन जाते तो ये हमको दिखता बिल्कुल कुल पैरों के सामने, सोचो कितना अमेजिंग होता। बट कोई नहीं, अपनी एक किस्मत में अभी तो गौमुखी चल लेते हैं, जो है उस पर खुश रहते हैं। क्यों चलो जी, ओविस नायोर यहाँ पर ये एक श्री राम जी का मंदिर है बना हुआ। एक नहीं है, श्रुति चंद्रा नहीं आई है। मैं आई थी लगभग 6-7 साल बाद, जय माँ गंगा मैया की। यहाँ पर कपड़ा है गंगोत्री, क्रॉस कर ली नदी। हो अब ये थोड़ी चढ़ाई शुरू, थोड़ा सा
अब बंद कर देती हूँ वीडियो ना, ये तो नॉर्मल रास्ता ही। अब चलो गाइस, अब मैं बंद कर रही हूँ, बाद में बंद करूंगी। सो गाइस, अभी ना हम लोग लगभग 4 किलोमीटर हमने तय कर लिया है इन लाइक एन आर। स्पीड हमारी ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 18 किलोमीटर हमें चलना है और वापस भी आना है। और थकान अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगी हमें, मतलब बढ़िया मज़े करते हुए, मस्ती करते हुए हम लोग चल रहे हैं। हाँ आ रही हूँ, थोड़ा व्लॉग बना रही हूँ तो इसलिए धीरे धीरे आ रही हूँ। सो इट्स अ मस्ट ट्रैक फॉर अ नेचर प्रेमी, योगा प्रेमी एंड व्हाट नॉट। सी दिस, वाओ। चलो अब आगे चलते हैं एंड वो सही है यार, दिस इज नॉट टू बैड। चलो गाइज, अब ना मैं इसको माउंट को छोड़ रही हूँ, सो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वीडियो हो जाएगी अब। बस चलो, हाँ। बन रही है वीडियो, चलो। फोटो खींचनी थी वैसे नहीं। तो वहाँ पे जाने ना ऊपर, हाँ। तो वहीं से पूरा चलते हैं, एक मिनट का वीडियो बनाना, ठीक है? वहाँ खड़े हो। अच्छा मैं जाऊँ? हाँ, मैं वहाँ से आऊँगा। फोटो खींचनी थी यार, एक फोटो ले लेते हैं इसमें, क्या दर्द ने। लुक एट दिस, एंड वी हैव फाउंड एन अमेजिंग झरना। आ रहा है क्या? Look at that, कैसा ही लग रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से, सूरज की किरणें पड़ रही है इसमें। आ रहे आएगा ये ना, ड्रॉप्स पड़ेंगे। यहाँ पे हम पीएंगे पीडीएल की तरह पानी। यो वी विल, हाँ, ट्रैक में आके हम सारे जानवर बन जाते हैं, चिड़िया बरल सब खाते हैं हम, घास फूस जो मिलता है सारा पानी पीते हैं। ये पिएंगे भैया एस्थेटिक स्टाइल में पानी। देखो ट्रैक पे आए तो ये नहीं किया तो क्या ही किया तुमने, कुछ नहीं किया फिर तुमने, समझे। मेरे को भी पीना है तो मेरे बिट भैया देखो शुरू हो गए उसके पेड़, क्या कहते हैं उसको, भोजपत्र के पेड़। सी गाइज,
भोजपत्र की ट्री लाइन शुरू हो गई है और ये पेड़ जो हैं ये सारे भोजपत्र के पेड़ हैं। अब आने वाला है भैया भोजवासा, भोजवासी जगह का नाम ही भोजपत्र जगह पेड़ है ना, जो इनके नाम पे पड़ा है। तो अब ये भोजपत्र के पेड़ शुरू हो गए हैं, इसका मतलब भोजवासा पहुंचने में अब हमें 2-3 किलोमीटर ही है। भोजवासा की ट्री लाइन शुरू हो गई है, भोजपत्र के पेड़। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा बट पहले इन पेड़ों पर, इन पेड़ों की खाल निकाल के लिखा जाता था इन पर, जब ब्लैक बोर्ड्स वगैरह, चॉक्स वगैरह, स्लेट्स नहीं होती थी। नहीं हो पाएगा ना, हाँ नहीं हो पाएगा, वहीं रुकेंगे हम। आप लोग, मुझे भी टफ ही लग रहा है यार। हैं हाँ, वो जहाँ पे पंडित जी वो थी लगी हुई, हम तो उत्तराखंड के ही हैं। तड़क धूप हो चुकी है और अब जोश जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, और ये सोच के ही मेरे को अजीब लग रहा है कि आज ही हम ऊपर से नीचे भी आ जाएंगे। लाइक मेरा तो बहुत मन था रुकने का यार, आई थिंक विकी से। हेलो गाइस, सो अभी हमने 8 किलोमीटर अराउंड कर लिया ट्रैक और अभी हम रुके हैं फॉर सम स्नैकिंग। ये है भैया, मेरे पास वो नहीं है सेल्फी स्टिक तो इसीलिए मेरे को हाथ से करना पड़ रहा है, इसीलिए दूर है। और हमने परांठे लाए थे पैक करा के, तो अभी हम वही खा रहे हैं। चाय वाय का कोई बंदोबस्त यहाँ पे है नहीं क्योंकि हम कुछ भी नहीं लेके आए। हम इस बार ट्रैक नहीं कर रहे, हम इस बार हाइक कर रहे हैं, अप डाउन करेंगे। तो अभी हम ये परांठे एक नाक टिब्बा गया था, वो था इजी बस, वो तो हाँ वो तो ऐसी है, लुल ट्रैक है वो, लुल ट्रैक। ये थोड़ा सिरेने के ऊपर इजी है। यहाँ पर हम बैठे हैं और अभी हम अपना खाना वाना खा रहे हैं। पूरे आसमान में 2-3 बादल दिख रहे हैं, एक बादल का वो दिख रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है ना। हाँ गाइस, अभी हमें इतना येड़ा आदमी मिला ना, बोल रहा है गवर्नमेंट झूठ बोल रही है और तपोवन 5-6 किलोमीटर ही है, मैं तो करके आ रहा हूँ कि अकेले। ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं यार। भैया मान नहीं रहा, मेरे को स्टे करने का मन है, थोड़ा आराम से बैठे तभी तो मजे आएंगे। चले वराग माउंट त्रिशूल, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। मतलब मुझे नहीं पता माउंट त्रिशूल है कि नहीं है, बट आई एम गेसिंग माउंट त्रिशूल ही है शायद वो। ये पार करके जाना है, ये कोई पुल है यार, इसमें महंगा मेरी मैं कैसे जाऊंगी यार, इसमें बहुत डर लग रही है, पता नहीं कैसे ही जाऊंगी मैं। ये वाला पुल पार करके तो हम आ गए, तो यार ये तो बहुत कच्चा लग रहा है, मेरे बस में नहीं।
स्टिक भी ले जाओ, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे आऊँ? नॉर्मल है अच्छा गाइस चलो मैं पार कर रही हूँ बाद में। भैया अभी चाय पी रहे हो, कहाँ पी रहे हो अभी चाय? ये हम आ रखे हैं चीड़वासा हम पहुंच गए हैं। ये मिडवे है और यहाँ पे आधा हमने पार कर लिया और आधा पार करने के लिए अब हमें अगले 3 घंटे लगने वाले हैं। 3 घंटे थोड़ी लगेंगे, मतलब 2-2.5 3 लग ही जाएंगे, लग जाएंगे इतने? और उसके बाद हम आएंगे वापस, कहीं नहीं आएंगे हम वापस, मैं तो नहीं आ रही भाई वापस, मजा आने वाला है। ये वापस जाएंगे अगर तो ये फिर घर नहीं पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे सीधा शिव जी भगवान के पास, क्योंकि ये और जिद्दी, और जो हुआ जिद्दी उसने खोई अपनी जिंदगी। सो गाइज एक खुशखबरी है, देयर इज चेंज ऑफ प्लान। सो अभी 1 बज गया है ठीक है, और हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, तो वी हैव डिसाइडेड कि वी आर नॉट गोइंग बैक टुडे, क्योंकि नहीं हो पाएगा यार 18 किलोमीटर 2 टाइम्स, वो भी इस रास्ते में, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आज हम स्टे करेंगे और कल वापस जाएंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी, हो सकता है शायद तपोवन में निकल जाऊँ मैं, जब स्टे करना है तो घूम लेंगे फिर अच्छे से, क्यों भैया हम जा रहे हैं। कहाँ चल पाएंगे आज? गाइज अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस ये वाली जो बीच दिख रही है ना, ये वाली, ये भागीरथी 1 है, ये वाली भागीरथी 2 है, और ये जो चपटा सा दिख रहा है ये पता नहीं क्या बोल रहे थे कुछ, मैं अभी भूल गई मैं इसका नाम, और ये वाली पीक ये भी पता नहीं है, मैं भूल गई इसका नाम, पर ये भागीरथी 1 और भागीरथी 2 है, मैं पूछती हूँ इस वाली का नाम। इसका क्या नाम बताया था इस वाली पीक का? अरे वो तो ये है यार, एक नंबर नंबर। इसका क्या बताया था, इसके चपटे वाले का क्या, इसका नाम क्या है, पर्वत का नाम क्या है? मंडा। हाँ ये वाली जो है ये मंडा है, वो चपटा वाला, और ये वाला पता नहीं है, और ये बंगाल से आए हैं। ये अपने गांव में पहले है जो ट्रैकिंग कर रहे हैं तपोवन का। और हमारे साथ ही ज्वाइन हो गए हैं। ओ वाओ ये कौन सी पीक आई? छोटा चीता देखा है, छोटा यही है क्या वो वाला श्री, क्या कहते हैं जहाँ तुमने जाना है, सामने जो पीक है, पीस बहुत है इधर वैसे, बहुत बहुत जन्नत लगेगी, जन्नत रोना आ जाएगा। मैं जब गई थी, आप जाओगे तो पता चल जाएगा, नहीं जाओगे तो इतना दूर आके आपको कुछ समझ नहीं आएगा। परमिशन नहीं बना रही वहाँ तक की, परमिशन Just have a look guys at the closer majestic view
ऑफ दीज पीक्स ग्रेटर हिमालयन रेंज. इट इज सो मेसमराइजिंग. डाल दो यार रहने दो. हमें ये एक अद्भुत चिड़िया मिली है. अरे उड़ जाएगी यार. अरे भैया यार वीडियो बनाने दो ना चैन से. नहीं खाएगी भाई वो हाथ से. आप ये भी ले लिया. कि छोड़ा उसने देखा उसने इसे दोस्त नहीं. डर रहा है वो. कब कैसे खा रहे हो वैसे भूखे जन्मों के. तो भूख तो होगी यार. नहीं नहीं मिल पा रहा है ना. हेलो गाइस, आई हैव अ बैड न्यूज़. वेरी वेरी बैड न्यूज. सो मैं अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे भोल का समय और ये मोगरेथी और वो गंगोत्री 1-2-3 है. सो अभी क्या हुआ, हमको लगा था हम गाँव पहुँच जाएंगे एक ही दिन में, 18 किलोमीटर कर लेंगे और रुक जाएंगे फिर यहाँ पे भोल का समय और वापस चले जाएंगे. बट हुआ क्या, हम पहुँच जाए 4 बजे और लोगों ने बोला कि रिवर क्रॉसिंग है और ग्लेशियर्स वगैरह है तो आप नहीं कर सकते हो, तो आप सुबह चले जाना. बट रोना आ रहा मुझे हिमांशु भैया की वजह से, क्योंकि उनको कल ही देहरादून निकलना था. उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो सुबह तक जाएं, क्योंकि 5 घंटा लगेगा वो जो ऐसे गाँव में जाना आना लगभग. सो हमको अपनी यात्रा यहीं पे ख़त्म करनी पड़ रही है. अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि अब तक की मैंने जितनी भी जर्नी करी है, जितनी भी ट्रैक करा है, सब मैंने कंप्लीट करा है और बहुत प्राउडली मैं अपना ट्रैक अटेंड की. पर इस बार बिकॉज ऑफ दिस गाय और इनकी अच्छी प्लानिंग नहीं थी, मेरे को यहीं से वापस जाना पड़ रहा है. तो यही इधर का व्यू है भोज भाषा का. और भोज भाषा जाते हैं और उसके बाद एक ग्लेशियर आता है वो पार करना है. गौमुख के बाद तपोवन का जो रास्ता है वो और भी ज्यादा टफ है. तपोवन तो वैसे भी नहीं जाना था, बट कोई नहीं, ये पार्ट 1 हो जाएगा ठीक है इस ब्लॉग का, गौमुख का. इसके बाद मैं चाहे मेरे को अकेला आना पड़े गाइड के साथ, पर मैं तपोवन करने के साथ गाऊंगी, ये पक्का प्रॉमिस है मेरा. ओके बाय. और हम यहाँ से भोजपुरा से आज अपनी जर्नी ख़त्म कर रहे हैं. ये है कल आती हुई भागीरथी माँ और ये जा रही हैं यहाँ से गंगोत्री की तरफ और हमारी जर्नी भी कंप्लीट हो रही है. मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जा सकती थी गौमुख एक दूसरे ग्रुप के साथ, पर एक वो होता है कि भाई जिसका आई होती है. सो ये वापसी का वीडियो है. जब हम गंगोत्री के लिए वापस आ रहे थे तो वहाँ पे ना नदी बहती रहती है और ये लकड़ी की क्या कहते हैं इसको, ब्रिज टाइप के बना रखे हैं, बट कुछ कुछ बहुत वीक हैं तो ऐसे चलने में बहुत डर लगता है. तो ऐसे कम से कम 4 ब्रिजेस हैं जो कि नदी क्रॉस करके आपको जाना होता है. तो मैं जा नहीं पाई तो ये एक बंदा है, इसने मेरी हेल्प करी. सो फ्रेंड्स, हम वापस आ रहे थे भोजा क्या था भोजारा से नीचे को और हमको ना ये दिखा,
तो ये बड़ी नेचुरली फॉर्म्ड है, बहुत वियर्ड फॉर्मेशन है, हमें नहीं पता ये क्या होगा। ये भैया आपको पता है क्या? मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बहुत ही कमाल का लग रहा है, जैसे चींटियों की बांबियां होती है ना उसी तरीके से, बहुत बड़ी बड़ी, और ये नेचुरली फॉर्म्ड है, कुदरत का आर्किटेक्ट। हाँ नेचुरली फॉर्म्ड है, और मतलब कैसी बनी होंगी, ऊपर देख रहे हो चट्टान है पहाड़ की, और फिर ये बेसिकली मिट्टी और देखो पत्थर भी है इनके बीच फंसे हुए, मिट्टी और पत्थर से बने हुए फैले हुए। हाँ कैमरे में ना अच्छे से कैप्चर नहीं हो रहे, पर रियल में ना भाई देख के ऐसा लग रहा है ये कौन सा अजूबा है, ये बहुत मस्त लग रहा है।